कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बजट पेश करने वाले हैं। जो पिछला बजट था वो ऐतिहासिक बजट था, विकास को लेकर के, वीकर सेक्शन की मजबूती को लेकर के, किसानों को लेकर के, तमाम वर्गों को साथ लेते हुए बहुत अच्छा बजट रखा था। और बजट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी उसका तकरीबन हो गया दिसंबर तक ही। मैं समझता हूं कि इस बार का बजट बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी पेश करने वाले हैं। मैं सीकर जिले से हूं, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से लक्ष्मणगढ़ से विधायक हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि सीकर और लक्ष्मणगढ़ और तमाम राजस्थान में हमने प्रस्ताव पारित करके एससीसी और पीसीसी के मेंबर्स के दिए हैं कि किस प्रकार से वीकर सेक्शन को, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, किसानों को लेकर के, कृषि का अलग बजट आ रहा है उसको लेकर के जो सुझाव हमारे पास थे हमने दिए हैं। सीकर में 4-5 प्रमुख समस्याएं हैं जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया है कि एक तो संभाग की बहुत बड़ी डिमांड है, चूरू, झुंझुनू और सीकर को मिलाकर के सीकर संभाग मुख्यालय करने की डिमांड है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी गंभीरता के साथ में विचार करेंगे। एक जो यहां कुमाराम लिफ्ट परियोजना के जो स्कीम है 6 तहसीलों की, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ में नहर का पानी आ गया, यहां पर पीने के पानी की समस्या है, इसके लिए हमने पिछले बजट में चेष्टा की थी तो डीपीआर बनाने के आदेश दिए थे। अब हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसको जो है वो स्वीकृति इस बजट में देंगे। मिनी सचिवालय हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है जिसके लिए कलेक्ट्रेट और जुडिशियल सब एक जगह होकर के लोगों को सुविधा हो जाए, तो जो जुडिशियल में 36 करोड़ रुपए का बजट आ गया है उसके टेंडर हो गए हैं, काम चालू होने वाला है। और एक ऑटोडोरियम का भी पिछली बार स्वीकृति हो गई थी, उसका काम भी अब शुरू होने वाला है। लेकिन मिनी सचिवालय के लिए हमने, पारिक साहब ने, मैंने, सबने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मिनी सचिवालय हमारे लिए जहां जमीन कटी हुई है स्टेडियम के सामने वहां आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। एक नवलगढ़ रोड का जो पुलिया है इसको लेकर के बहुत तकलीफ है, तो ये नवलगढ़ रोड की ओर भी नीचे उतरे और इसकी चौड़ाईकरण डबल हो, 4 लेन हो, तो ये 4 लेन के लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि ये 4-5 चीजें जो हैं वो हमारे लिए सीकर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। बाकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, पशु स्वास्थ्य केंद्र, अन्य जो भी सड़कें हैं उनके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया, अपने अपने इलाके के लिए, मैंने लक्ष्मणगढ़ के लिए भी किया है। नेछवा जो है उपखंड बन गया, वहां पर तहसील खुल गई, तो मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से मैंने की है कि वहां पर भी सरकारी कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में हमने सरकारी कॉलेज खुलवाई थी तो वहां पर 1300 बच्चे हो गए। तो आप समझ सकते हो कि लक्ष्मणगढ़ जब उपखंड बन गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप नेछवा उपखंड को भी एक सरकारी कॉलेज दें। बाकी सड़कों की, पीएससी की, सीएससी की हमने लिख के दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा बजट हमारे मुख्यमंत्री जी सभी वर्गों को साथ लेकर के सबके कल्याण के लिए प्रस्तुत करने वाले हैं। एक नीम का थाना के भी कई वर्षों से जिला उन्होंने, देखिए जिला और संभाग ये पुनर्गठन जरूरी है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, तो मुख्यमंत्री जी इसमें क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रशासनिक तौर से अगर आप जिला और संभाग बनाते हो तो पहले एक कमेटी की रिपोर्ट आना आवश्यक होता है। तो हमने मांग की है कि इस कार्यकाल में नीमका थाना जिला बन जाए और सीकर संभाग बन जाए, तो मैं समझता हूं कि लोगों को प्रशासनिक दृष्टि से रिलीफ मिलेगा।